कक्कड़ के नेतृत्व में सैकड़ों गोहाना वासी गोहाना में सीसीटीवी कैमरों की मांग को लेकर सांसद रामचंद्र जांगड़ा से उनके महम स्थित आवास पर मिले। उन्होंने सांसद से मांग की महम की तर्ज पर गोहाना में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। महम में सीसीटीवी कैमरे लगने से अपराध बहुत कम हो गए हैं, इसलिए गोहाना भी आपका क्षेत्र है। सांसद जांगड़ा ने सभी गोहाना वासियों के सामने ही सीसीटीवी लगवाने की घोषणा की और तुरंत आईजी रोहतक ममता सिंह से बात करके उन्हें गोहाना में सीसीटीवी के लिए लोकेशन तय करने को कहा और जल्द ही सीसीटीवी लगवाने को कहा। सांसद जांगड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश को भय और भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, इसलिए सभी शहरों में सीसीटीवी लगने बहुत जरूरी है। सभी गोहाना वासियों ने सांसद जांगड़ा की इस कार्य के लिए जबरदस्त सराहना की और उन्हें विकास पुरुष कहा। गोहाना वासियों ने कहा कि सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहले भी गोहाना में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए थे और सीसीटीवी की घोषणा करके गोहाना को अपराध मुक्त करने का बहुत बड़ा कार्य किया है। गोहाना से मिलने वालों में सुमित कक्कड़, पार्षद अंजू कालड़ा, बलजीत डांगी, रमेश परूथी, नरेंद्र कुमार, पूर्व पार्षद विजय निनानिया, गणमान्य व्यक्ति प्रदीप वाधवा, जय देव देशवाल, सुरेंद्र कालड़ा, केसी शर्मा, श्याम मेहता, पंकज पसरीजा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। K9 मीडिया के लिए विशाल खन्ना की रिपोर्ट। गोहाना से हमारी संस्था एक संयोजक सुमित कक्कड़ जी की अध्यक्षता में सभी संस्थाएं आपके पास गोहाना से आपके निवास स्थान पर पहुंची है, किस विषय में पहुंची? देखिए, महमटी शहर के अंदर हमने पिछले दिनों इसको अपराध मुक्त करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आया है। जिस दिन लगवाए थे उद्घाटन हुआ था, जिस दिन उसी दिन 4 मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए। इंटेग्रेटेड कमांड महम थाने के अंदर है, 2 ऑपरेटर 24 घंटे ड्यूटी के ऊपर रहते हैं, सामने सीसीटीवी स्क्रीन के ऊपर वो देखते रहते हैं। अगर कोई आदमी संदिग्ध वैसे घूमता भी दिखाई देता है और अगर वो 5-7 मिनट से ज़्यादा बाजार में घूमता दिखाई देता है तो उसको भी पुलिस फौरन ट्रेस करके पकड़ ले जाती है। उस दिन के बाद महम में 0 क्राइम रेट हो गया है और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि पूरा प्रदेश अपराध मुक्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी इस ओर काफ़ी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। आप रोजाना अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि यूपी की तर्ज के ऊपर हरियाणा में भी गैंगस्टर्स के जो अवैध कब्जों के मकान तक भी रोजाना बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि पूरा प्रदेश अपराध मुक्त हो। इसी संदर्भ में गोहाना मेरा अक्षेत्र रहा है, आज भी है। 2014 का चुनाव जब मैंने लड़ा उसके बाद से मैं लगातार गोहाना में रहा हूँ और मुझे गोहाना वासियों का विशेष प्रेम हमेशा मिलता रहा है। मैं चुनाव में भी कहता था कि आगे मैं चुनाव हारूं जीतूं लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन मेरी सारी उम्र गोहाना के सेवा के लिए सेवाएं समर्पित रहेंगी। मैंने उस समय भी ये वायदा किया था और आज मैं अपने वायदे के ऊपर कायम हूँ। आज गोहाना के सभी प्रमुख नागरिक यहाँ पर आए हैं, पार्षद आए हैं और इन्होंने भी डिमांड की है कि महम की तर्ज के ऊपर गोहाना में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं ताकि गोहाना भी अपराध मुक्त हो जाए। तो फौरन, क्योंकि मेरा घर है गोहाना, मैं इसमें कोई एहसान नहीं करता। गोहाना के ऊपर अपने घर की रक्षा सभी लोग करते हैं, इसमें कोई एहसान नहीं करता है, तो अपने घर की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो इसी संदर्भ में मैंने फौरन आईजी मैडम से, ममता सिंह से बात की है और मैंने उनको ये कह दिया है कि SSP सोनीपत और DSP गोहाना से कह के फौरन इनका एस्टीमेट तैयार करवा लिया जाए। महम में 27 लाख रुपए की लागत आई है, गोहाना में इसे 1.5 आ सकती है। 40 की आओ, 45 की आओ, 50 की आओ, मैंने मैडम को इसके लिए ऑफर कर दिया। हर महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर सीसीटीवी हाई फ्रिक्वेंसी का कैमरा होना चाहिए, जिससे तमाम शहर जो है एक ही इंटीग्रेटेड कमांड के अंडर ट्रेस के ऊपर रहे, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसी कोई गतिविधि ना कर सके जो एंटी सोशल हो, तो गैर कानूनी एक्टिविटी हो, उसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हो। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की मैंने सांसद निधि से देने की घोषणा कर दी है। जैसे ही एस्टीमेट तैयार होकर हमारे पास आ जाएगा तो उसी समय हम अपने निधि से ये ग्रांट जारी कर देंगे। उसके बाद जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसके बढ़िया कंपनी को टेंडर जैसे महम में करवाया है देख भी सकते हैं आप, जाके जाते जाते अगर थाने में उसका अवलोकन करना चाहें तो देख सकते हैं।
100 की स्पीड के ऊपर अगर मोटरसाइकिल जाती है तो उसको भी जूम करके उसका नंबर देखा जा सकता है, इतने हाई फ्रिक्वेंसी के कैमरे हैं, तो आप वो देख भी सकते हैं। बहुत ही क्लियर विजन है उनका, बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो ऐसा हम गोहाना के अंदर भी ये व्यवस्था करवाएंगे ताकि अब मेरा शहर जो है, मेरा घर जो है, वो अपराध मुक्त रहे, सभी नागरिक जो है ना सम्मान के साथ और संकोच होके और निर्भय होके अपना व्यापार करें, अपना कारोबार करें, कोई उनके ऊपर इस किस्म का भय ना हो कि कोई कल को कोई गुंडा आके हमारी संपत्ति को लूट लेगा, हमारी बहन बेटी को कुछ कह देगा या हमारे को कुछ कह देगा। ऐसा वो निर्भय होकर जीवन जिए, भय मुक्त वातावरण हम पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए हमने गोहाना के लिए स्टेप उठाने का निर्णय लिया है। लीजिए, आपकी अध्यक्षता में सभी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी के निवास स्थान पर पहुंचे गोहाना से चलकर, तो उसके विषय में आप क्या कहिए? देखिए, आज हम गोहानावासी जिनमें हमारे पार्षदगण भी हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, आज हम महम के अंदर विकास पुरुष हमारे माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी, जो आज हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेंबर हैं, और यहाँ पर हम पहुँचे हैं और हमने हमारे जो गोहाना का जब हमारे जांगड़ा साहब ने नेतृत्व किया, जब हमारे हरियाणा के चेयरमैन भी है रहे बीसी वर्ग के, तब उन्होंने नेतृत्व किया हमारी गोहाना विधानसभा का, और गोहाना विधानसभा का नेतृत्व करते हुए उन्होंने गोहाना के अंदर पूरी विधानसभा के अंदर, चाहे किसी गली मोहल्ले की बात की जाए, चाहे किसी गांव की बात की जाए, किसी चौपाल की बात की जाए, किसी चौक चौराहे की बात की जाए कि, और गोहाना के अंदर जितने भी पार्क बने गए हैं उन सभी पार्कों की बात की जाए, ये सब देन हमारे माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी की देन से ही संभव हो चुका है। रामचंद्र जांगड़ा जी के अपने कुशल नेतृत्व के कारण मनोहर सरकार के द्वारा के पास जाकर उनकी सरकार के मेंबर होते हुए गोहाना के अंदर इतनी ग्रांट लाए कि हमारे गोहाना नगर परिषद के अंदर भी 120 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाया। 120 करोड़ की ग्रांट को गोहाना पर लाए और नगर परिषद के माध्यम से एक ग्रांट लगी, इतने पार्क बने, इतने स्टेडियम बने, यहाँ पर हमारे मदनलाल ढींगड़ा जी पार्क है, उनके पास इतना बड़ा स्टेडियम बना है, इतना बड़ा स्टेडियम, उस स्टेडियम का शायद ही हम हरियाणा के अंदर कहीं उसका उल्लेख करते हैं तो वाह वाह मिलती है। ये सब हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी के कुशल नेतृत्व के कारण हुआ है। उनके इस कुशल नेतृत्व को देखते हुए, इस तरह के विकास कार्यों को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपनी स्पेशल टीम के अंदर जगह दिया है, और आज हम सारे गोहानावासी गोहाना के अंदर जितने भी चौक चौराहे हैं और चिन्हित जगह है, जो जहाँ पर सुरक्षा के एवज में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए आज हम सांसद जी के पास आए हैं, और सांसद जी ने कहा कि महम अगर मेरी जन्म स्थल भूमि है तो मेरी कर्म स्थल भूमि गोहाना है, गोहाना वासियों के लिए मैं हमेशा सदैव तत्पर रहूंगा, और उन्होंने अपनी सांसद निधि कि उसमें कहा कि 40 से 50 लाख रुपए जितने भी लगे कैमरे के ऊपर, हम गोहाना के सभी चौकों पर कैमरे लगाएंगे। इस चीज के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गोहाना वासी सदैव रामचंद्र जांगड़ा जी के आभारी तो है ही है, लेकिन आज आते ही तुरंत उन्होंने आईजी मैडम को फोन किया और इस चीज के लिए हम गोहाना वासी आभार प्रकट करते हैं और इनके सदैव ऋणी रहे। आज आप गोहाना से चलकर राज्यसभा सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं, आपको जो आश्वासन मिला है आप उसके बारे में बताएगी। सबसे पहले तो मैं अपने सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने कि हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार किया है और पूर्णतः इसे आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि पूरा किया जाएगा हमारा कार्य ये सब, और इसके लिए मैं रामचंद्र जांगड़ा जी का अति धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देती हूँ। सभी सामाजिक संस्थाएं, पार्षद व सभी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं, तो आप क्या कहें? आज लगभग 50-60 आदमी, शहर के गणमान्य व्यक्ति श्री रामचंद्र जांगड़ा जी के घर में पहुंचे हैं और हमने एक डिमांड और एक मांग पत्र दिया है कि गोहाना शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि गोहाना अपराध मुक्त हो सके, और जांगड़ा साहब ने आते ही हमारी मांग को मंजूर कर लिया है और
पुलिस मैडम को कह दिया है कि भाई इनकी एस्टीमेट बनाया जाए और हम सांसद निधि से जितने पैसे लगेंगे हम देंगे। और इनने जो बात कह दी, ये जो कहते हैं वो करते हैं, ये नहीं वो कह दिया भगा दिए जाओ ना, जो ये कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए हमारी सारे गोहाना की तरफ से इनको धन्यवाद।